हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उड़ीसा ईस्ट इंडिया का एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेट, जो अपनी कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, क्राफ्ट, डांस और सीनिक ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में खासा प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जगह की प्रसिद्धि एक और कारण से है? वो कारण है इस स्टेट में मौजूद एक जगह से, जिसे भारत की सबसे भूतहा जगह में से एक का दर्जा मिला हुआ है। इस जगह का नाम है जतन नगर पैलेस। उड़ीसा के ढेंकनाल शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के सन्नाटे में मौजूद है ये महल, जिसे जतन नगर पैलेस के नाम से जाना जाता है। बेहद खूबसूरत लोकेशन पर मौजूद ये खामोश महल जितना विशाल और भव्य है, उतना ही मिस्टीरियस और भूतहा भी है। इस महल को राजा श्री शंकर प्रताप सिंह दियो महेंद्र बहादुर के छोटे भाई पटाया नरसिंह प्रताप सिंह दियो ने बनवाया था। 100 कमरों वाले इस आलीशान महल को उन्होंने अपनी रानी जनता देवी के लिए बनवाया था, इसीलिए इसका नाम जतन पैलेस रखा गया। एक पहाड़ी के टॉप पर बना ये महल देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसकी असली पहचान इस जगह की खूबसूरती नहीं, बल्कि यहाँ का डरावना इतिहास और वो किस्से कहानियाँ हैं जो यहाँ के लोग सदियों से सुनते और सुनाते आ रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के राजा श्री शंकर प्रताप सिंह दियो महेंद्र बहादुर एक कुशल और बेहद उदार राजा थे, जो अपनी प्रजा के हित में ही काम किया करते थे। उनके शासन में हर एक नागरिक खुशी और अमन चैन से जिया करता था। लेकिन राजा के इंग्लैंड चले जाने के बाद यहाँ की गद्दी राजा के छोटे भाई पटाया नरसिंह प्रताप सिंह दियो को मिल गई, जो कि एक बेहद धूर्त और क्रूर शासक था। नरसिंह प्रताप ने शासन संभालते ही यहाँ के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में उसने इस महल को बनवाने की शुरुआत की। लेकिन इस महल को बनवाने के लिए राजा ने हजारों बंधुओं मजदूरों को काम पर लगाया और यहाँ काम के लिए लिए गए हाथी, घोड़े और अन्य जानवरों से भी उनकी क्षमता से ज़्यादा काम लिया जाता था। इसी की वजह से यहाँ काम करने वाले लोगों की असमय मृत्यु होने लगी। जब कोई मजदूर इंसान या जानवर यहाँ काम कर करके मर जाते तो राजा उनकी बॉडी को पासी के जंगलों में यूं ही फिकवा देता था, ताकि उसे जंगली जानवर चट कर जाए। अपनी इन्हीं क्रूरतापूर्ण कामों की वजह से राजा को वहाँ के लोग दिन रात कोसा करते थे। लेकिन राजा अपनी सत्ता के नशे में अंधा हो चुका था। ये सब यूं ही चलता रहा और आखिरकार ये महल भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। लेकिन तब तक ये महल कई लोगों की बेगुनाह मौत का गवाह बन चुका था। कहा जाता है कि महल के बनने के बाद से ही यहाँ काम करने वाले मजदूरों को यहाँ पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना करना पड़ता था, और ये पहले से ही मान लिया गया था कि ये जगह भटकती हुई आत्माओं का अड्डा बन चुका है। इस महल के उद्घाटन वाले दिन लोगों को महल की बुर्ज पर बैठा एक गिद्ध दिखाई दिया था। इस घटना को राजा के करीबियों ने बहुत बड़ा अपशगुन माना और राजा को हिदायत दी कि वो इस महल में रहने के लिए ना जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। राजा ने इस बात को पक्का करने के लिए सबसे पहले वहाँ एक दरबारी को रहने के लिए भेजा। उसे कुछ दिन इस महल में बिताने थे और वापस आकर राजा को ये बताना था कि क्या वाकई ये जगह भूतिया है या नहीं। लेकिन अचंभे की बात यह है कि इस महल में आने के अगले ही दिन वो दरबारी महल से गायब हो गया। वो कहाँ गया, उसे किसने मार दिया, या वो यहाँ से जान बचाकर हमेशा के लिए भाग गया, ये आज तक कोई नहीं जानता है। लेकिन पूरे राज्य में अब ये बात फैल चुकी थी कि जतन पैलेस एक भूतिया जगह है और यहाँ जाने वाले लोगों की मौत पक्की है। जिस महल को नरसिंह प्रताप ने बड़े शौक से इंसानों की लाशों पर खड़ा किया था, वो और उसका पूरा परिवार एक दिन के लिए भी इस महल में नहीं रह पाया, और बनने के बाद से ही ये महल इंसानों से वीरान है। यहाँ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है और कई खामोश पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं जो अपने अगले शिकार की तलाश में हैं। तभी से ऐसा माना जाता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कई भूतों का डेरा है और रात में तो क्या, इस जगह पर दिन में भी कोई नहीं आना चाहता। यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर माने तो बीते समय में ऐसी कई घटनाएं सामने आई थी कि यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ मौजूद आत्माओं से सामना करना पड़ा था और उनमें से कई लोग वापस तक नहीं लौटे। हजारों पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स के कारण ये जगह भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है
और यही कारण है कि साल 2020 तक ये जगह एक खंडर जैसी थी, जिसे जंगली झाड़ियों और पेड़ पौधों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन इस जगह के वर्तमान मालिक फॉर्मर MLA कृष्णा चंद्र पात्रा, जो कि उसी राजघराने के वंशज है जिसने इस महल को बनवाया था, इस जगह को फिर से रिनोवेट करने का फैसला किया है। उनका प्लान है कि इस जगह को एक हेरिटेज साइट की तरह से फिर से तैयार किया जाएगा। साथ ही वो इस जगह से जुड़े सभी दावों को मिथ बताते हुए ये कहते हैं कि इस जगह के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाई गई हैं। यहाँ का असली सच क्या है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। जहाँ एक तरफ राजघराने के वंशज इन सभी बातों को सिरे से नकारते हैं, वहीं इस भूतहा महल के शिकार बन चुके लोगों के वंशज ये दावा करते हैं कि ये जगह वाकई एक हॉन्टेड प्लेस है, जिसे इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। यदि यहाँ फिर से कोई कंस्ट्रक्शन की गई तो हो सकता है कि यहाँ की खामोश दीवारें एक बार फिर बोल पड़े। यदि आप कभी इस जगह पर गए हों तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।